अंदर जो हमारे कंटेंट में बात हम डेवलप कर रहे हैं आज, वो ये है कि हम एनवायरनमेंट और ह्यूमन एक्टिविटीज की जो अडॉप्टेशन है कमर्शियल वर्ल्ड में वो क्यों बनती है, और कमर्शियल ज्योग्राफी बेसिकली इसी डेवलपमेंट का आइंदा आने वाला कोर्स है। यानी हम आइंदा आने वाले 13-14 चैप्टर्स में जो पढ़ रहे हैं वो इस चैप्टर नंबर 1 और 2 के बेसिस के ऊपर डेवलप हो रहा है। चैप्टर नंबर 1 जो हमने लास्ट में पढ़ा, और चैप्टर नंबर 2 हम आज पढ़ रहे हैं, वो बुनियादी तौर पे एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन एक्टिविटीज को रेफर कर रहा है। कंटेंट ऑफ द क्लास ह्यूमन एक्टिविटीज को चैप्टर नंबर 3 में डिस्कस करेगा, लेकिन आज की क्लास में जो हमने डिस्कस करा वो ये कि द सराउंडिंग्स ऑफ अ मैन इज कॉल्ड एनवायरनमेंट। इंसान और उसके गिर्द में जो भी माहौल है, दुनिया के गिर्द में ज्योग्राफी में जो भी माहौल है वो एनवायरनमेंट है। इंसान वो एनवायरनमेंट में जंगलात देखता है, सहरा देखता है, समंदर देखता है, बिल्डिंग्स देखता है, लैंड देखता है, वो उस सेंस को डेवलप करने की कोशिश करता है जो उसके सराउंडिंग्स में मौजूद है। कहां मौजूद है? और द सराउंडिंग्स ऑफ अ मैन इज नोन टू बी द एनवायरनमेंट। सच ऑफ द एनवायरनमेंट जो हम इंसान के गिर्द में देख रहे हैं वो वेरी करता है, चेंज होता है। कॉन्स्टेंट वेरिएशन ऑफ द एनवायरनमेंट इज बेसिकली अलाउइंग ए पर्टिकुलर एनवायरनमेंट कि वो मुख्तलिफ डिफरेंसेस क्रिएट करे। ये एनवायरनमेंट की वेरिएशन उन डिफरेंस की बुनियाद है जिससे इंसान आइंदा आने वाली जिंदगी में अपनी सरगर्मी का डिसीजन लेता है। यानी हम कमर्शियल ज्योग्राफी में माशी सरगर्मी पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? माशी सरगर्मी। और वो माशी सरगर्मी बुनियादी तौर पे इंसान किन दो बुनियादों पे ले रहा है? आइदर कि उसके गिर्द में जो मौजूद कल्चरल डिफरेंसेस हैं और फिजिकल डिफरेंसेस हैं। कल्चरल डिफरेंसेस से मुराद उन तमाम डिफरेंसेस को कह रहे हैं जो कि इंसान का कल्चरल एनवायरमेंट डेवलप कर रहा है। कौन डेवलप कर रहा है? और एक एनवायरनमेंट वो जो कि कौन सा एनवायरनमेंट है? फिजिकल एनवायरनमेंट। फिजिकल एनवायरनमेंट जो कुछ डेवलप कर रहा है वो इंसान के गिर्द में मौजूद ऐसे डिफरेंसेस हैं जिसमें इंसान का अमल दखल कम है। इंसान का अमल दखल क्यों कम है? क्योंकि इंसान बुनियादी तौर पे इन एनवायरनमेंट्स को खुद नहीं बना रहा, ये कुदरत ने बना के दिए है। समंदर कुदरत ने बनाया, दरिया कुदरत ने बहाया, सर इसी तरह से पहाड़, जंगलात और मौसम इंसान के गिर्द में और कंट्रोल में नहीं है। हम इस जिस एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं ऐसा एनवायरनमेंट हमारे लिए नेचुरल एनवायरनमेंट भी है, फिजिकल एनवायरनमेंट भी है और मटेरियल एनवायरनमेंट भी है। कितने नाम हो गए जनाब? 3। नंबर 1 फिजिकल एनवायरनमेंट, नंबर 1 नंबर 2 नेचुरल एनवायरनमेंट, नंबर 3 मटेरियल एनवायरनमेंट। कौन सा एनवायरनमेंट? इसके मुकम्मल बरक्स जो एनवायरनमेंट हम जान रहे हैं वो कौन सा है? नॉन मटेरियल एनवायरनमेंट। यानी एक ऐसा एनवायरनमेंट जिसकी नोइंग, जिसकी नोइंग कैसी है? नॉन मटेरियल है। कैसी है? नॉन मटेरियल है। यानी ये वो तबई माहौल नहीं है जिसको हम फिजिकली टेंजिबल कहेंगे, यानी छू पाएंगे। ये हम महसूस कर रहे हैं। क्यों? कोई शख्स मुख्तलिफ मजहब बिलीव करता है, कोई शख्स मुख्तलिफ रंग और रसल का है, किसी के कुछ रस्म और रिवाज हैं। ये इंसान ने कैसे बनाए हैं? ये इंसान ने कुदरती तौर पे नहीं बनाए, ये इंसान की अपनी जाती मर्जी। Is that clear? हमारा यही एनवायरनमेंट इंसान की माशी जिंदगी को डेवलप कर रहा है, और फिर इंसान इन्हीं एनवायरनमेंट के फर्क की बुनियाद पर अगली क्लास में हमें क्या पढ़ाएगा? ह्यूमन एक्टिविटीज। क्या पढ़ाएगा? और हमारा उन ह्यूमन एक्टिविटीज से क्या ताल्लुक है? क्योंकि हम स्टूडेंट हैं किसके? कमर्शियल ज्योग्राफी के। तो हम इन्हीं ह्यूमन एक्टिविटीज को कमर्शियल एक्टिविटी और इकोनॉमिक एक्टिविटी के प्रोस्पेक्टिव में सीखेंगे।